हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू mklccgroup। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल mklccgroup पर। अगर आप 12th एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो प्रतिदिन आप लोगों के लिए दोपहर 12 बजे सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न का लाइव क्लास दिया जा रहा है। इसलिए आप लोग अभी तक हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो बेल आइकन है उसे बजाना ना भूलें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आज हम लोग केमिस्ट्री से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जिसमें पार्ट 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हम लोग अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अर्थात अकार्बनिक रसायन याद रखेंगे। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 एक्सरसाइज 4 से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जिसमें एक्सरसाइज 4 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उपसह संयोजन यौगिक से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले सभी लोग इस वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और ध्यान देंगे यह क्लास लाइव चल रहा है इसलिए वीडियो के नीचे एक लाइव चैट का ऑप्शन मिलेगा, उससे जुड़ जाएं। उसमें हमारे बताने से पहले किसी भी प्रश्न का उत्तर मालूम हो तो उसमें जरूर दें। इस तरह से आपका एक ऑनलाइन टेस्ट हो जाएगा और लास्ट में हमें ज़रूर बताएं कॉमेंट कर कि आपका कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ और यह क्लास कैसा लगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 1 से। तो क्वेश्चन 1 कहता है अमोनिया, याद रखेंगे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। अमोनिया जिसका सूत्र होता है दोस्तों NH3, अमोनिया का सूत्र NH3 होता है और अगर अमोनियम कहें तो NH4 होता है। हम पिछले क्लास में भी बताए थे कि अमोनियम बोलने में ज़्यादा आ रहा है शब्द, तो इसलिए NH4 ज़्यादा वाला अमोनियम और कम वाला अमोनिया होता है। इसलिए यह ट्रिक याद रखेंगे, अमोनिया कह रहा है तो अमोनिया का क्या होता है NH3। तो कह रहा है दोस्तों कि अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है दोस्तों। सभी लोग उत्तर देंगे कि अमोनिया को निम्नलिखित में से किसके द्वारा शुष्क किया जाता है। चलिए सभी लोग उत्तर दें, बहुत बढ़िया उत्तर आना शुरू हो गया और सही भी है दोस्तों। चलिए बहुत बढ़िया, चलिए इस प्रश्न का उत्तर देते हैं। तो अमोनिया को किसके द्वारा शुष्क किया जाता है, तो कैल्शियम ऑक्साइड ऑप्शन ए याद रखेंगे। कैल्शियम ऑक्साइड अर्थात CaO के द्वारा शुष्क किया जाता है, किसे, अमोनिया को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है अर्थात बिना रंग का है, जैसे जल, जल का कोई रंग नहीं होता है वह रंगहीन है, उसी तरह से कह रहा है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा आयन रंगहीन है। क्या कॉपर का आयन रंगहीन है, क्या कोबाल्ट का, या निकेल का, या लोहा का आयन रंगहीन है। किस आयन का जो रंग है वह रंगहीन है, जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है कि कौन सा आयन रंगहीन है बिना रंग के है। सभी लोग उत्तर देंगे लाइव चैट में। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों, गलती होगा कोई बात नहीं, अगली बार सही होगा, इसलिए प्रयास करें उत्तर दें। गलती सही होना लगा हुआ है, आप लोग प्रयास करें, प्रैक्टिस करें दोस्तों, तभी एग्जाम में आपको फायदा होने वाला है। यहाँ आप प्रैक्टिस करें, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए अच्छा होगा एग्जाम के लिए। तो चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर दें कि कौन सा आयन रंगहीन है। बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे कौन सा आयन रंगहीन है, तो कॉपर आयन, याद रखेंगे कॉपर आयन रंगहीन है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है K4Fe(CN) का होल 6 का IUPAC नाम क्या है। और दोस्तों देख सकते हैं इस तरह से लिखा हुआ बड़ी ब्रैकेट में भी, ये क्या है, जटिल यौगिक है, यह एक प्रकार का जटिल यौगिक है। तो इस प्रश्न का उत्तर दें कि K4Fe(CN) का होल 6 का IUPAC नेम क्या है। ध्यान देंगे दोस्तों K से पोटासियम हो गया, Fe से लोहा हो गया और CN से साइनाइड। तो इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे कि इसका IUPAC नेम क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों, प्रयास करें, गलती होगा कोई बात नहीं, उत्तर देने का प्रयास करें।
और अगली बार से ध्यान दें, इसे याद रखें, जो भी प्रश्न का उत्तर आपको याद नहीं है उसे याद कर लें। तो के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स का आईपीएससी नेम क्या हो जाएगा दोस्तों? तो याद रखेंगे इसका आईपीएससी नेम पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थ्री हो जाएगा। याद रखेंगे पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थ्री के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स का आईपीएससी नेम होगा। याद रखेंगे दोस्तों, फिर से बोल रहे हैं कि के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स का आईपीएससी नेम क्या है? तो पोटेशियम हेक्सा साइनो फेरेट थ्री। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर हो गया ऑप्शन डी। जिस भी प्रश्न का उत्तर आपको मालूम नहीं रहे, जिस भी प्रश्न का उत्तर आपसे गलत हो जाए उसे आप ध्यान से याद कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। और दोस्तों अगर यह क्लास आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? ध्यान देंगे दोस्तों, अम्ल एवं भस्म के प्रकार आप मैट्रिक एग्जाम से ही मैट्रिक क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि अम्ल दो प्रकार के होते हैं और भस्म भी दो प्रकार के होते हैं, एक प्रबल अम्ल एक दुर्बल अम्ल। दुर्बल को ही निर्बल कहते हैं, उसी तरह से प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म। तो यहाँ आपसे पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है? तो सभी लोग उत्तर देंगे कि कौन है जो निर्बल अम्ल है, निर्बल अर्थात कमजोर, वीक एसिड। कौन है जो वीक एसिड है? और स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं पूछ रहा दोस्तों आप लोगों से, कमजोर दुर्बल एसिड जो इसको निर्बल अम्ल के नाम से यहाँ इस प्रश्न में पूछा जा रहा है। तो सभी लोग उत्तर देंगे कि निम्नलिखित में कौन निर्बल अम्ल है, वीक एसिड है। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का उत्तर सही आ रहा है। चलिए तो याद रखेंगे कौन है जो निर्बल अम्ल है? तो हाइड्रोजन फ्लोराइड HF। याद रखेंगे HF है जो क्या है, दुर्बल अम्ल अर्थात निर्बल अम्ल है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, और ये भी जटिल यौगिक है, निकेल का जिसमें क्या है NiCO का होल फोर में ऑक्सीकरण अवस्था होगा। ध्यान देंगे इसमें दोस्तों, ये जटिल यौगिक में कह रहा है निकेल CO का होल फोर, इसमें ये निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग स्टेट क्या होगा? क्या चार होगा या जीरो होगा या दो होगा या तीन होगा? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होगा। ध्यान देंगे ये यौगिक पर निर्भर करते हैं, तो जल्दी से बताएं आप लोग ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण संख्या निकालने के लिए आप लोग पढ़े होंगे क्लास में। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है? बहुत बढ़िया, याद रखेंगे दोस्तों इस प्रश्न में निकेल का ऑक्सीकरण अवस्था कितना हो जाएगा, तो जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों? जीरो। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स, जैसा दोस्तों हम लोग पिछले क्वेश्चन में पढ़े थे इसका आईपीएससी नेम, तो जल्दी से बताएंगे कि के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स क्या है? डबल शॉट है या जटिल नवल है या अम्ल है या भस्म है? सभी लोग उत्तर देंगे कि यह क्या है। हम लोग इस प्रश्न को देखे थे भी कि इसका आईपीएससी नेम क्या है, उसी प्रश्न से आपसे पूछ रहा है कि के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स यह क्या है, डबल साल्ट है, जटिल लवण है, अम्ल है या भस्म है? सभी लोग उत्तर देंगे, सभी लोग का उत्तर सही आएगा हमें पूरी उम्मीद है। प्रयास करें दोस्तों, प्रैक्टिस करें, आप लोग का सही होगा। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे दोस्तों जो के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स है वह क्या है, एक जटिल लवण है। क्या है? जटिल लवण। इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट फोर एक्सरसाइज फोर सह उप सह संयोजक यौगिक से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। हम लोग प्रतिदिन इसी तरह से सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव सेट क्वेश्चन का सेट लाइव डिस्कशन 12 बजे करते हैं, इसलिए अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो वीडियो के नीचे लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर जुड़ जाएं और जो बगल में बेल आइकन है उसे जरूर बजा दें ताकि आप तक लाइव क्लास की नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों के फोर एफ ही सी एन का होल सिक्स में एफ ही का प्रसंकरण अर्थात हाइब्रिडाइजेशन क्या है?
देखिए दोस्तों, इसी यौगिक से, इसी जटिल लवण से आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है सभी प्रकार के, इसलिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोस्तों। इसे बहुत बढ़िया से देख ले, इसे याद कर ले दोस्तों। तो जल्दी से बताएंगे, के फोर एफ ई सी एन का होल सिक्स में एफ ई का अर्थात लोहा का प्रसंकरण हाइब्रिडाइजेशन क्या है। आप लोग प्रसंकरण पढ़े होंगे दोस्तों, इलेवंथ क्लास में ही पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन प्रसंकरण। चलिए जल्दी से बताएंगे कि इसका, इसमें जो लोहा है एफ ई है, इसका प्रसंकरण क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोग का उत्तर सही भी आया। तो याद रखेंगे, इस यौगिक में लोहा का प्रसंकरण एफ ई का प्रसंकरण डी टू एस पी थ्री है। याद रखेंगे डी टू एस पी थ्री, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। याद रखेंगे इस जटिल लवण में लोहा अर्थात एफ ई का प्रसंकरण कितना होगा, तो डी टू एस पी थ्री, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है। हम लोग पढ़ें दोस्तों इस चैप्टर में सभी यौगिक की आकृति, कौन चतुष्फलकीय है, कौन पिरामिड है, कौन गोलाकार है, कौन बेलनाकार है, उसी तरह कोई डमरूकार है, उसी तरह से आपसे प्रश्न पूछता है कि किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। ये चारों यौगिक में किस यौगिक की आकृति चतुष्फलकीय है, सभी लोग उत्तर देंगे क्वेश्चन नंबर एट का। चलिए बहुत बढ़िया, प्रयास करें दोस्तों, उत्तर सही होगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, सभी लोग उत्तर दें इस प्रश्न का कि निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय है। चलिए हम बता देते हैं दोस्तों, कुछ लोग का उत्तर सही भी आया, कुछ लोग प्रयास ही नहीं करें, सभी लोग प्रयास करें दोस्तों, सभी लोग उत्तर दें, गलती होगा कोई बात नहीं। तो याद रखेंगे निम्न में किसकी आकृति चतुष्फलकीय होती है, तो एन आई सी एल का फोर का होल टू आयन, ध्यान देंगे इस पर दो आयन लगा हुआ है, वो भी ऋण आयन है, माइनस में है, तो एन आई सी एल फोर, एन आई सी एल फोर दो आयन है, इस पर, इस यौगिक पर कितने आयन है, तो माइनस दो आयन है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसकी आकृति क्या होगा, चतुष्फलकीय होगा, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, सी टू अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या है। ध्यान देंगे हम लोग जो बंधन पढ़ते हैं दोस्तों, बंधन तीन प्रकार के होते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे थोड़ा सा इस तरह से करते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो सिंगल बॉन्ड में एक सिग्मा बंधन होते हैं, एक सिग्मा बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा और एक पाई होते हैं, उसी तरह से ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और दो पाई होते हैं, याद रखेंगे दो पाई। तो आपसे पूछ रहा है दोस्तों, क्या पूछ रहा है, तो आपसे पूछ रहा है सी टू अर्थात कार्बन कार्बन के बीच जो बंधन होते हैं उसमें कितने पाई और कितने सिग्मा बंधन की संख्या है, सभी लोग उत्तर देंगे। आप लोग पढ़ें क्लास में कि पाई और सिग्मा बंधन की संख्या निकालें, बॉन्ड की संख्या निकालें। तो सी टू अणु में, यहाँ आपसे प्रश्न पूछ रहा है कार्बन के अणु में, सी टू के अणु में पाई और सिग्मा, ये सिग्मा है दोस्तों, इसे क्या कहते हैं, सिग्मा, बढ़िया समझ लें, ये सिग्मा है और ये क्या है, पाई है। तो सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितनी होगी सी टू अणु में, चलिए उत्तर देंगे सभी लोग, बहुत ही आसान सवाल है और ये वीवीआई क्वेश्चन है दोस्तों, अगर देखिएगा क्वेश्चन बैंक तो ये बार बार एग्जाम में पूछ चुका है प्रश्न, इसलिए आप लोग याद कर लें इसे। तो याद रखेंगे सी टू अणु में सिग्मा और पाई बंधन की संख्या कितना है, तो याद रखेंगे इसमें सी टू में जो है सिग्मा और पाई बंधन की संख्या, इसमें सिग्मा बंधन जीरो है और पाई बंधन की संख्या दो है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, सिर्फ दो पाई, याद रखेंगे दो पाई बंधन की संख्या कितना है, तो दो पाई, सिग्मा बंधन की संख्या जीरो और पाई बंधन की संख्या दो है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दोस्तों, किसका प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, सबसे स्थायी है, किस तत्व के प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, क्या टीना का जिसको एस्टेनम कहते हैं, या एजी अर्थात चांदी का, या एफी अर्थात लोहा का, या पीबी अर्थात प्लम्बम शीशा का, किसका
प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे, बहुत ही आसान सवाल है। हम लोग इनऑर्गेनिक के पार्ट फोर एक्सरसाइज फोर से महत्वपूर्ण लिखे प्रश्न देख रहे हैं, चैप्टर वाइज देख रहे हैं, इसलिए क्लास को जरूर ज्वाइन करें दोस्तों। प्रतिदिन दोपहर 12 बजे 12th एग्जाम के लिए लाइव क्लास होती है और हम लोग साइंस एवं आर्ट्स दोनों स्ट्रीम के लिए सभी सब्जेक्ट से महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे हैं। इसलिए दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा बताएं कि आपके अपने यूट्यूब चैनल mklccgroup पर दोपहर 12 बजे प्रतिदिन लाइव क्लास चलती है। तो जल्दी से बताएं किसका प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है? तो याद रखेंगे पलम्बम सीसा का प्लस टू ऑक्सीकरण अवस्था सबसे स्थिर है, इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी। चलिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है किस यौगिक या यौगिकों, किस यौगिक एक कहे तो यौगिक एक से अधिक रहे दोस्तों यौगिकों, तो कहता है किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फल आकृति है? देखें दोस्तों यह प्रश्न आपसे पिछले क्वेश्चन में भी पूछा है, उसी क्वेश्चन को घुमा दिया कि किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलक आकृति है। चलिए इसका उत्तर देंगे सभी लोग देंगे। ये प्रश्न हम लोग पढ़ें दोस्तों कि किसकी आकृति चतुष्फल की है, इसी प्रश्न को उल्टा कर दिया घुमा दिया है कि किस यौगिक या यौगिक को अगर एक से अधिक रहेगा तो यौगिक हो जाएगा कि आकृति चतुष्फल की है। चलिए हिंट समझ रहे होंगे दोस्तों, ऐसा प्रश्न हम लोग देखें अगर ध्यान दे रहे होंगे ध्यान से देख रहे होंगे तो आप लोग सही उत्तर बता देंगे इस प्रश्न का। और सभी लोग जितने भी लोग जुड़े हुए हैं वीडियो को लाइक कर दें क्योंकि आपके एक लाइक से हमें प्रेरणा होती है, प्रतिदिन लाइव क्लास लेने के लिए उत्साहित होते हैं, इसलिए वीडियो को जरूर लाइक करें। तो जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किस यौगिक या यौगिकों की चतुष्फलकीय आकृति है? बहुत बढ़िया ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। हम लोग देखे भी थे जो ये यौगिक है NiCl का 4 और इस पर 2 निगेटिव आयन 2 माइनस है और PdCl4 पर 2 नेगेटिव चार्ज, ये दोनों है जिसकी आकृति चतुष्फल की होती है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है जब FeOH3 सॉल में NaCl घोल मिलाया जाता है, जो FeOH3 का सॉल है बिलियन है उसमें NaCl का घोल मिलाया जाता है, सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? FeOH का होल 3 सॉल में NaCl का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है? चलिए सभी लोग इसका जवाब देंगे कि FeOH3 के सॉल में NaCl का घोल अर्थात सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है तो क्या प्राप्त होता है, क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। इस प्रश्न का सही उत्तर देंगे और सभी लोग देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, तो याद रखेंगे क्या प्राप्त होता है, इसके सॉल में सोडियम क्लोराइड का घोल मिलाया जाता है, तो याद रखेंगे FeOH3 फेरस हाइड्रोक्साइड अवक्षेपित हो जाता है। क्या होता है दोस्तों? अवक्षेपित हो जाता है, ऑप्शन डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन है और आज का क्लास केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट 4 सहसंयोजक यौगिक से था। इससे हम लोग महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देख रहे थे और चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को हम लोग सोल्यूशन करते हुए डिस्कशन करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो जल्दी से इस प्रश्न का भी उत्तर बताएंगे हम लोग। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित जटिल यौगिक में किसका अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है? लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। कहता है निम्नलिखित जटिल यौगिकों में किसका अणुचुंबकीय, ध्यान देंगे अणुचुंबकीय गहरा अनुचुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक है, लास्ट क्वेश्चन है। सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि किस जटिल यौगिक में अनुचुंबकीय घूर्ण सबसे अधिक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन, सभी लोग इसका जवाब देंगे। चलिए बहुत बढ़िया, कुछ लोगों का उत्तर सही है और बाकी लोग का गलत आ रहा है। प्रयास करें दोस्तों, कोई बात नहीं अगली बार सही होगा। तो याद रखेंगे इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी FeH2O का होल 6 इंटू Cl2। देखिए ये भी जटिल यौगिक है, तो ये जटिल यौगिक किसका है? ऑप्शन बी, ऑप्शन बी का जो है वह अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। याद रखेंगे इस जटिल यौगिक का अणुचुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है ऑप्शन बी,
तो हम लोग आज कुल 13 प्रश्न देखे, जो एक्सरसाइज 4 इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक्सरसाइज 4 सहसंयोजक यौगिक से महत्वपूर्ण निर्दिष्ट हैं। तो यह क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब आप लोगों का कितने प्रश्न का उत्तर पहले से याद था, कितने प्रश्न का उत्तर सही हुआ, ये भी हमें बताएं। तो चलिए फिर मिलेंगे अगले दिन अगले लाइव क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।